Hello everyone, in this video lecture of Communication Engineering, I am going to discuss a basic PCM-TDM system. PCM stands for Pulse Code Modulation, TDM means Time Division Multiplexing System, and this is also called T1 Carrier System or T1 Digital System. Digital system because in this case, jo analog voice signals honge, that are converted using PCM in digital, and after that, वो डिजिटल वेवफॉर्म्स हमारी ट्रांसमिट होंगी थ्रू कोएक्सियल केबल. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिस्टम, T1 डिजिटल सिस्टम. ठीक, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. सबसे पहले तो हमें TDM की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमें मल्टीपल पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को थ्रू सिंगल चैनल ट्रांसमिट करना होगा तो हमें उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई हम PCM-TDM सिस्टम का यूज करते हैं. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. इन दिस केस इनपुट सिग्नल्स आर फिक्स्ड. इन केस ऑफ T1 कैरियर सिस्टम 24 वॉइस सिग्नल्स होंगे, ये हमारे एनालॉग सिग्नल होंगे. इन एनालॉग सिग्नल्स को, ऑल सिग्नल्स को हम पास करेंगे थ्रू लो पास फिल्टर. ये लो पास फिल्टर बैंड लिमिटेड होंगे एट 3.3 किलो हर्ट्ज. ठीक, हमारे जो सिग्नल्स होंगे वो बैंड लिमिटेड होंगे अप्रॉक्सीमेटली एट 3.3 किलो हर्ट्ज. तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. को हमने बैंड लिमिट कैसे किया? लो पास फिल्टर के थ्रू. ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? FM. एंड जो हमारा स्विच होगा, कम्यूटेटर स्विच, ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग करेगा. थ्रू दिस हमारा सिग्नल पास होगा PCM ट्रांसमीटर को, एंड इसका जो रोटेशन होगा वो 8000 सैंपल्स पर सेकेंड होगा. मींस की जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 8 किलो हर्ट, विच इज ग्रेटर देन द नॉइस क्राइटेरिया. ठीक है, वॉइस सिग्नल्स सैम्पल्ड एट द रेट 8 किलो हर्ट्स, और वी कैन से 8000 सैंपल्स पर सेकेंड. ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 2 FM. 2 FM क्या होती है? नॉइस रेट. ठीक है, 2 FM की वैल्यू यहां पर क्या हो जा रही है? 8 किलो हर्ट्स इज ग्रेटर देन 2 × 3.3, मीन्स 8 किलो हर्ट्स इज ग्रेटर देन 6.6 किलो हर्ट्स. आफ्टर दिस सैम्पलिंग ईच सैम्पल सिग्नल इज पास टू द PCM ट्रांसमीटर. नाउ PCM ट्रांसमीटर क्या करेगा? PCM ट्रांसमीटर कन्वर्ट ईच सैम्पल सिग्नल इनटू डिजिटल बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एंड यहां पर यूज करेगा कंपाउंडिंग. अब जो यहां पे आउटपुट होगी वो क्या होगी? डिजिटल वेवफॉर्म होगी. और दिस डिजिटल वेवफॉर्म इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कोएक्सियल केबल. ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया? ईच एट आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर डिजिटल वेवफॉर्म. ठीक है, एंड डिजिटल वेवफॉर्म ट्रांसमिटेड ओवर कोएक्सियल केबल्स. ठीक है, पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 6000 फीट रिपीटर्स आर यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल. एट नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपीटर? रिपीटर्स बेसिकली क्या करेंगे? वो रीजनरेट करेंगे सिग्नल को. रीजनरेट का मींस है कि जब PCM ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा तो वो डिजिटल वेवफॉर्म्स में चांसेस होंगे कि नॉइज इंट्रोड्यूस हो, मे बी हमारे सिग्नल्स क्या होंगे, वो डिस्टॉर्शन उसमें होगा. और ठीक है, तो बेसिकली रिपीटर्स क्या करेंगे, वो डिस्टॉर्शन के इफेक्ट को रिमूव करेंगे एंड और सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे. मींस कि बेसिकली वो क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे डुप्लीकेट सिग्नल दैट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द PCM ट्रांसमीटर. ठीक, नाउ आफ्टर ईच रिपीटर सेम प्रोसेस होगा, एम्पलीफाई डिस्टॉर्शन या सिग्नल बनाना एंड उसको फर्दर ट्रांसमिट करना. एट द डेस्टिनेशन एंड PCM रिसीवर यूज होगा. नाउ दिस PCM रिसीवर वर्क जस्ट अपोजिट ऑफ PCM ट्रांसमीटर. मींस कि एट PCM ट्रांसमीटर हमने मॉड्यूलेशन किया, यहाँ हम यूज करेंगे डीमॉड्यूलेशन. PCM ट्रांसमीटर पर हमने सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया इन डिजिटल वेवफॉर्म, तो इन PCM रिसीवर हम इसका अपोजिट करेंगे, मींस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करेंगे. एंड वहाँ हमने कंपाउंडिंग यूज की, यहाँ भी हम कंपाउंडिंग यूज करेंगे. अगर हमने एट ट्रांसमीटर एंड सिग्नल को कंप्रेस किया था तो यहाँ हम एक्सपेंड करेंगे, अगर हमने वहाँ एक्सपेंड किया था तो यहाँ हम कंप्रेस करेंगे.
ठीक है। आफ्टर दैट हमारा सिग्नल किसको जाएगा, स्विच को जाएगा। दिस इज डी कम्यूटेटर स्विच। यहां पर कम्यूटेटर स्विच वर्क कर रहा था एज अ मल्टीप्लेक्सर, यहां पर वो वर्क करेगा एज अ डी मल्टीप्लेक्सर। दोनों की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मीन्स कि यहां पर भी उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 8000 हर्ट्ज और कह सकते हो 8000 सैंपल्स पर सेकेंड से होंगे, ठीक है। नाउ आउटपुट ऑफ दिस स्विच इज पास थ्रू द लो पास फिल्टर। तो सारे लो पास फिल्टर हमारे बैंड लिमिटेड होंगे अगेन, एंड आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या होगी, रिकवर्ड वॉइस सिग्नल जो कि हमारा एनालॉग में होगा, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। फाइनली एट द रिसीवर एंड हमें क्या मिल गए, 24 रिकवर्ड वॉइस सिग्नल, ठीक है। नाउ अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो यूज होते हैं हमारे पीसीएम टीडीएम सिस्टम में। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं बिट्स पर फ्रेम, ठीक है। पर फ्रेम का मींस कि जब एक कम्यूटेटर स्विच हमारा एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करेगा तो हाउ मेनी बिट्स आर ट्रांसमिटेड। अब ये हमारा जो स्विच है ये क्या करेगा, S1 से S24 तक आएगा, देन वापस कहां जाएगा, S1 पर। मीन्स कि ये जो कम्यूटेटर स्विच है वो पूरा S1 टू S24 और वापस S1 पर आएगा, एंड इसका जो रेट होगा वो होगा, स्टार्टिंग में बताया था 8000 सैंपल्स पर सेकंड और वी कैन से 8 किलो हर्ट्ज़। मीन्स कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS इज इक्वल टू हो जाएगी इसकी 8 किलो हर्ट्ज़, विच इज ग्रेटर देन द नॉइकेस्ट रेट, एंड ईच सैंपल इज इनकोडेड इन N बिट। मीन्स कि जब हम ईच सैंपल को इनकोड करेंगे बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वन सैंपल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई 8 बिट इन टू एन इज इक्वल टू 8 बिट। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल क्या हो जाएंगे, 2^n इज इक्वल टू 2^8 इज इक्वल टू 256, ठीक है। ये हमारे क्वांटाइजेशन लेवल हो जाएंगे, ठीक है। वन फ्रेम मीन्स की वन रोटेशन, वन फ्रेम इज इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 24, क्योंकि 24 एवरी सिग्नल से सैंपल लेगा तो 24 एंड एवरी सैंपल में बिट्स कितनी होंगी 8, ठीक है। 24 सिग्नल तो 24 सैंपल्स और ईच सैंपल में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 8, तो टोटल क्या हो जाएंगी 192 बिट्स। मींस कि वन फ्रेम इज इक्वल टू 192 बिट्स, ठीक है। सेकंड टर्म इज फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी कि जब हमारा एट द ट्रांसमीटर एंड पे जो हम कम्यूटेटर यूज कर रहे हैं एंड जो रिसीवर एंड पर हम डी कम्यूटेटर यूज कर रहे हैं, बोथ शुड बी सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सिंक्रोनाइज होने चाहिए, मींस कि हमें टाइमिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इफ दे आर नॉट सिंक्रोनाइज तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि विच बिट करस्पॉन्ड टू विच सिग्नल्स। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम एवरी फ्रेम में एक एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजिंग बिट को यूज करते हैं इन द स्टार्टिंग, क्लियर। क्या करेंगे हम, एवरी फ्रेम के स्टार्टिंग में वन सिंक्रोनाइजिंग बिट को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे फ्रेम की हमारी फर्स्ट बिट क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइजिंग बिट सपोज F, ठीक है। ये हमारा एक सैंपल ट्रांसमिट हुआ, ये कितने बिट का होगा, 8 बिट का, ठीक है। सपोज दिस इज फॉर सैंपल ऑफ सिग्नल 1, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हमारा दूसरा सैंपल, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू सिग्नल S2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ होंगे, लास्ट हम ले लेते हैं दिस इज फॉर S24। अब फ्रॉम दिस आपको क्या क्लियर हो गया कि इन द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम हम एक सिंक्रोनाइजिंग बिट को ऐड करते हैं। तो नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम, नाउ वन फ्रेम इज इक्वल टू, पहले की बिट कितनी थी 192 बिट्स प्लस वन सिंक्रोनाइजेशन बिट हो गई 192 प्लस 1 इज इक्वल टू 193 बिट्स पर फ्रेम इंक्लूडिंग सिंक्रोनाइजेशन बिट। हम मेंशन कर देते हैं दिस बिट इज फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन बिट। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन बिट F होती है इसका भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है, ठीक है। विच फॉर्मेट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 12 फ्रेम्स, 12 सक्सेसिव F स्लॉट्स आर यूज टू ट्रांसमिट 12 बिट कोड। मीन्स की ये जो F बिट है 12 फ्रेम इस तरीके से आएंगे तो उनके लिए एक फिक्स फॉर्मेट होता है।
आफ्टर दैट आफ्टर 12 फ्रेम्स वो हमारा वो कोड फिर से रिपीट करते हैं. ये कोड क्या होता है, 1101 1100 1000. सब दिस इज द फिक्स पैटर्न ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिट जो कि आफ्टर 12 फ्रेम रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा फर्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट हुआ तो हमारा एफ की वैल्यू क्या होगी, 1. सेकेंड फ्रेम के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी, 1. थर्ड के लिए 0. सेम वे 12th के लिए क्या होगी, 0. जब 12th फ्रेम ट्रांसमिट हो जाएगा तो ये वापस कहाँ आएगा, रोटेशन पे. मींस कि 13th फ्रेम के लिए अगेन f की वैल्यू क्या होगी, 1. ठीक है, तो ये एवरी 12th फ्रेम पे रिपीट होता है. ये फ्रेम यूज कहाँ होता है, टू एस्टेब्लिश सिंक्रोनाइजेशन एट द रिसीवर. ठीक है, क्लियर हो गया. ये हो गया फंक्शन फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन का. नाउ अब देखते हैं बिट रेट एंड बैंडविड्थ. बिट रेट ऑफ T1 कैरियर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड. ठीक है, तो इस केस T1 कैरियर सिस्टम ईच सिग्नल इज सैंपल 8000 टाइम्स पर सेकेंड. मीन्स की FS इज इक्वल टू 8 kilohertz. ठीक है, तो नाउ सैंपल ड्यूरेशन ऑफ वन फ्रेम, सैंपल ड्यूरेशन ऑफ वन फ्रेम, या आप कह सकते हो ड्यूरेशन ऑफ वन फ्रेम is equal to 1 by fs is equal to 1 by 8 kilohertz is equal to 1 by 8000 is equal to 125 microsecond. कैलकुलेटर का यूज कर लेना, इसको हम डिफाइन कर देते हैं by ts. नंबर ऑफ बिट्स, नाउ नंबर ऑफ बिट्स इन अ फ्रेम इन वन फ्रेम इज इक्वल टू 193 बिट्स. मीन्स 193 बिट्स ट्रांसमिटेड इन 125 microseconds. ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है, बिट्स पर सेकेंड. नंबर ऑफ बिट्स इन वन सेकेंड विल बी इक्वल टू 193 डिवाइडेड बाई 125 microseconds. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 193 डिवाइडेड बाय 125 माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, 10^-6. नाउ कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे 10^-6 ऊपर जाएगी, तो ये तो हमारा हो जाएगा 10^6. एंड इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.544 × 10^6. ठीक है, तो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.544 मेगा बिट्स पर सेकेंड. ठीक है, वन सेकेंड में हमारी इतनी बिट्स ट्रांसमिट होंगी. तो हमारा बिट रेट क्या हो गया, बिट रेट इज इक्वल टू 1.544 मेगा बिट्स पर सेकेंड. नाउ अब हमें चाहिए बैंडविड्थ, 1/2 इंटू बिट रेट. ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1/2 इंटू 1.544 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 772.772 मेगा बिट्स पर सेकेंड, 0.772 मेगा हर्ट्स और 772 किलो हर्ट्स. तो दिस इज द बैंडविड्थ. ठीक है, फिर क्या था कि 125 माइक्रो सेकेंड वॉज द ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 193 बिट्स इज इक्वल टू 125 माइक्रोसेकेंड. ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ वन बिट इज इक्वल टू 125 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाई 193. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0.6476 माइक्रोसेकेंड. ठीक है, लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग. इन स्टार्टिंग मैंने बताया कि इन पीसीएम टीडीएम सिस्टम जो आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर होता है, पीसीएम ट्रांसमीटर, दैट इज ट्रांसमिटेड टू द टेलीफोन लाइंस विच इज कोएक्सियल केबल. ठीक, मींस कि ये हम बात करें टेलीफोन सिस्टम की. ठीक, बट इन केस ऑफ टेलीफोन सिस्टम हम सिर्फ और सिर्फ स्पीच को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, बट हम अदर सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरिंग इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करते हैं. ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो कॉल है वो हमारी बींग इनिशिएट हुई है, कॉल ट्रांसमिट हुई है, और स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ द कॉल्ड पार्टी, ये सारी चीज़ें भी हमें ट्रांसमिट करनी होती है. जैसे आप जब कॉल करते हो तो आपको डायल टोन सुनाई देती है कि कॉल इनिशिएट हो गई है, उधर आपको एड्रेस भी डिफाइन होता है ना कि बंदे को, कि एड्रेस दिखा होता है कहाँ से आ रहे. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू सेंड करते हैं, हम थ्रू सिग्नलिंग बिट ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए T1 कैरियर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं वॉइस अलॉन्ग विद द सिग्नलिंग. ठीक है, तो ट्रांसमिट
सिग्नलिंग सिग्नल अलॉन्ग विथ वॉइस सिग्नल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं शेयरिंग स्कीम का. शेयरिंग स्कीम का मीन्स है कि इन दिस केस जो एवरी सिग्नल का सैम्पल था वो 8 बिट को कंटेन करता था, तो जो 8th बिट होगी मीन्स कि LSB की बिट होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो 10 बिट, इसकी बात करें तो 10 बिट. दिस 8th बिट इज यूज फॉर सिग्नलिंग. क्लियर हो गया? ये 8th बिट जो होगी ये किसके लिए यूज होगी? 8th बिट यूज्ड फॉर सिग्नलिंग. ठीक है, ये हमारी क्या मीन्स की अब हमारा जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा तो वॉइस के साथ साथ ठीक है तो वॉइस के साथ साथ हमारी अदर इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट होगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द PCM TDM सिस्टम. स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.